आपका क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलीनोमियल दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलीनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसका मतलब क्या है आपका कि जब आप ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को अगर आप gx लेते हैं है ना, दिस इज इक्वल टू योर gx। अगर आप gx से fx को डिवाइड कर रहे हैं ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी तभी वो फुल्ली डिवाइड होगा। दैट मीन्स आप अगर अभी डिवाइड करोगे इस स्टेट में यू विल गेट सम रिमाइंडर। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसने कहा ऐड करने के लिए, क्या चीज ऐड होगी उसके अंदर, तो आपको करना क्या है, आपको जी एक्स से डिवाइड करना है एफ एक्स को पहले। तो हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड किया किसको, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आ रहा है आपका, आप देखो फर्स्ट टर्म ओनली फर्स्ट टर्म आपको देखना है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है एच टू द पावर ऑफ 4 यहां पर एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया एच टू द पावर ऑफ 4 बाई एक्स स्क्वायर, कट करेंगे आपका आ जाएगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो आपका कोएफिशिएंट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा ठीक है, तो यहां पर आपका आ गया एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स टू द पावर ऑफ, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स इज टू एक्स क्यूब, तो आपका आ गया प्लस टू एक्स क्यूब। फिर माइनस थ्री है, माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो आपका आ गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है। नाउ अब साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस। नाउ एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4 गेट कैंसल्ड, नेक्स्ट 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब गेट कैंसल्ड, आपका क्या बचा माइनस 2x स्क्वायर, यहां पर है प्लस 3x स्क्वायर, तो आपका आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ठीक है। नाउ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म देखो दोनों इक्वल है, तो आपका क्या आ जाएगा प्लस 1 है ना, तो हमारा आ गया यहां पर प्लस 1। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका सेम आ जाएगा, दैट इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। साइन चेंज कर दो, आपका प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। नाउ आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, नेक्स्ट प्लस एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस एक्स, नेक्स्ट माइनस वन प्लस थ्री इज प्लस टू ठीक है। अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलीनोमियल, तो क्या चीज आप ऐड करोगे उस पॉलीनोमियल के अंदर कि आपका ये जो रिमाइंडर माइनस एक्स प्लस टू आया है ये जीरो हो जाए, कैसे होगा अगर आप इफ यू अगर आप इसके अंदर माइनस एक्स प्लस टू की जगह पे
अगर इसमें क्या चीज ऐड करोगे आप, अगर हमने ऐड कर दिया इसमें प्लस एक्स एंड माइनस टू, माइनस एक्स की जगह पे प्लस एक्स ऐड कर दिया और प्लस टू में माइनस टू ऐड कर दिया, तो आप देखोगे ये रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड एक्स माइनस टू इन द पॉलिनोमियल। एड एक्स माइनस टू, ये जो हमने ऐड किया है प्लस एक्स माइनस टू इन द पॉलिनोमियल, तभी आपका ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट पॉलिनोमियल, माइनस एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा। और जी एक्स से आप इस पॉलिनोमियल, जो नया पॉलिनोमियल आएगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर प्लस एक्स माइनस टू ऐड करना है। तो आपका जो नया पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आगे आपको सोचना है कि क्या होगा। आप देखो यहां पर मैंने लिखा प्लस टू माइनस टू को ऐड करना है, तो आप यहां पर क्या करोगे, प्लस एक्स माइनस टू, तो आपका जो नया पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा प्लस टू एक्स माइनस थ्री, जो लास्ट के दो टर्म्स हैं आपके ये होने चाहिए, तभी वो फुल्ली डिवाइड होगा, अदरवाइज नो। ठीक है, तो दैट मींस आपको सिर्फ ये ऐड करना है, यानी कि इसके अपोजिट साइंस को ऐड करना है, तभी ये फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,